बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज माशाल्लाह नए दिन का जो कि आगाज़ हो चुका है, नया दिन माशाल्लाह जो कि शुरू हो चुका है, तो मैं इसी दुआ के साथ शुरू करूँगा। तो जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी माशाल्लाह आज हम बनाएंगे जो कि अम्मा जी बनाएंगे, बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, रमज़ान की बहुत ही ख़ास रेसिपी है। तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। तो अभी अम्मा जी के पास चलते हैं, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक दिन वीडियो का नागा हो जाए तो मेरा वॉच टाइम पता नहीं क्यों कम होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1K सब्सक्राइब करवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्रो करें मेरा चैनल, जितना हो सकता है अपने भाई को सपोर्ट करनी है आप लोगों ने। तो अभी टाइम नहीं जाया करते, अम्मा जी की तरफ चलते हैं, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ चुका हूँ, तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं ब्रेड रोल बनाने लगी हूँ। ब्रेड रोल? हाँ जी, ये बहुत और तरीके के बनाने लगी हूँ, ये मैं आपको बता दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं, ये और तरीके के बनाने लगी हूँ मैं। चलें जी, अम्मा जी बना रहे हैं ब्रेड रोल, ये देखते हैं किस तरह बनते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं पूरी वीडियो शेयर करूँगा, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करता अपना भी और आपका भी टाइम नहीं ज़ाया करते, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे। अच्छा मैं अब आपको मैं बताती हूँ ये कैसे बनते हैं। ये मैंने एक पाव मैंने बॉनलेस चिकन ले लिया था, उसको मैंने उबाल लिया, ऊपर से जो उसकी जागे थी वो मैंने उतार ली थी और मैंने उसको उबाल लिया था और एक कप यखनी मैंने उसके अंदर रहने दी थी। ये मैंने छः सात मैंने डब्बे के पीस लिए थे, उसके किनारे मैंने उतार लिए थे, उसका मैंने ये ब्रेड क्रम बना लिए। और मैंने ये लिए हैं शिमला मिर्च छोटी सी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। मैंने गाजर छोटी सी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। एक मैंने छोटा सा प्याज लिया था, उसको मैंने ऐसे काट लिया है। और ये मैंने लिया है काली मिर्च, ये ज़ीरा है एक चम्मच, एक चम्मच कुटी एक कुटी मिर्च है, ये टू दो दो चम्मच मैंने वो लिया है टी स्पून मैंने वो लिया है सोया सॉस, और एक टी स्पून मैंने नमक लिया है, और ये कॉर्नफ्लोर है ये दो दो बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। और मैंने जो उसके यखनी में जो मैंने यखनी छोड़ी थी उसके अंदर चिकन के अंदर, वो ये एक का भी वो यखनी है। अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। सॉरी बोलिए, ये मैंने चार आलू ले लिए, मैंने उबाल लिए और इनको मैंने ठंडा कर लिया फ्रिज में रख के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। देखिए जी, कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है, अब मैं इसके नीचे चूल्हा जलाऊंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी एक चम्मच मक्खन, और दो चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर ऑयल। मक्खन को हम गर्म होने देंगे, जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। मक्खन गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को देखो कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा हम इसका करना है कि इसका जो है ना ये कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए जी, प्याज हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे गाजर। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके शिमला मिर्च। थोड़ा सा हम इसको भून के इसके अंदर डालेंगे हम चिकन, थोड़ा सा इसको भून लें हम।
अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमने निकाल लिया चिकन, ये देखिए अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। में डालेंगे नमक, दर्जी मिर्च, और ये दर्जा जीरा, और ये काली मिर्च। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। अब हम इनको भून लेंगे। आपने डाला नमक, काली मिर्च, दर्जी मिर्च और दर्जा जीरा और सोया सॉस मैंने दो टी स्पून डाले। अब हम इसको भूनेंगे। अब जो हमने यखनी रखी है उसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसमें जो हमने वो यखनी के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाले हैं, कॉर्नफ्लोर डाले कुछ और नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर डाले इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह ला रहे हैं मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। एक अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसके मिक्सर चूल्हा बंद करेंगे और इसको थोड़ा एक किसी बॉल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ज़रा। मैं अब जब मैंने बनाया था वो ठंडा हो गया। अब हम इसके अंदर आलू क्रश करेंगे। ये मैंने आलू उबाल लिए थे और इनको ठंडा खा लिया था। इसी तरह सारे आलू क्रश कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जी आलू हमने क्रश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज्यादा सा सब्ज धनिया। और ये हमने ब्रेड क्रम लिए थे वो मैंने लिए थे चार पांच। मैंने डबल रोटी के आम डबल रोटी के पीस जो हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं डबल रोटी के मैंने पीस लिए थे। उसके मैंने जो चारों तरफ से जो किनारे होते हैं वो मैंने काट लिए थे। इसको मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे कुछ इसके अंदर डालेंगे इसमें से। ज़्यादा मैंने ब्रेड क्रम इसमें डाली है ज़्यादा में ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए जी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं अपने हाथों की तरह ग्रीस कर लूँगी, ऑयल का लूँगी और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दिखाती हूँ कि कैसे आपने रोल बनाने हैं। देखिए जी हमने ऐसे रोल बना लेने हैं। आपने ज़्यादा इनको नहीं करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस साइज के आपने ये रोल बना लेने हैं। देखिए कितने प्यारे रोल बने हैं।
ऐसे हम रोल बना लेने हैं। अब हमको हम आपको बताते हैं कि सारे रोल बना के हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये रोल बना लिए हैं। कुछ मैंने बना के कंटेनर में डाल के मैंने फ्रीज कर लिए हैं, वो मैंने कहा किसी दिन फिर फ्राई कर लेंगे। ये रोल हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है, एक का मैंने मैदा लिया है। इसको मैं इसका हमें पतला सा गोल बना लूंगी। आपने ये देखना है किसके अंदर कोई लम्ब ना रहे, कोई गुटली ना रहे, इस तरह आपने इसका गोल बनाना है। इसका हमने देखिए, जब मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था और पानी डाल के मिक्स किया था, इसका मैंने गोल बना लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसको इसके अंदर डिप करना है मैदे के अंदर ऐसे। फिर हमने इसे ब्रेड क्रम्ब के अंदर रखना है। देखिए आप अच्छी तरह इसको ना ये ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है ऐसे करके। इधर हम सबको ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। पहले हम उसमें डिप करेंगे मैदे के अंदर, मैदे के गोल के अंदर। फिर हम इसको इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, जो मैंने मैदे का गोल बनाया था और ब्रेड क्रम्ब की हमने कोटिंग कर ली है। अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। देखिए जी, हमने कढ़ाई ऊपर रख लिया। अब इसके नीचे चूल्हा जलाऊंगी। इसके अंदर आप ऑयल डाल देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर ये रोल डालूंगी चिकन। अभी हम इसमें इतनी डालेंगे, बाद में जो और डाल। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इनको बनाना है, क्योंकि वैसे तो ये पके हुए हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। इनका जो अब इसका जो हमने मटीरियल बनाया वो भी पका हुआ है, तो कोई कच्ची चीज़ इसमें है नहीं। तो ये हम इसको हल्की आंच में बनाएंगे कि अच्छी तरह से जले नहीं। देखिए जी, माशाल्लाह हमारे ये रोल जो है कितने अच्छे के, कितना अच्छा कलर आया, कितने अच्छे ये बन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और इस तरह जो दूसरे रोल है वो हम इसमें डाल के फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, ये हमने निकाल लिए हैं। अब मैंने रोल डाले हैं वो भी निकाल के आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारे चिकन में ब्रेड रोल कितने प्यारे तैयार हो गए, कितना अच्छे इनका कलर आया, कितना अच्छे बने हैं। आप भी अपने घर में इफ्तारी के टाइम बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसे लगे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। और अब हम आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।